देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। तुम्हारी इतनी हिम्मत? इतनी जोर से मारोगी ना उतनी पाएगी। मेरे बच्चे को हाथ लगाती है, मेरे बच्चे को मुझसे दूर लगा जाती है। बच्चे की नहीं तू अपंजलि, खबरदार खबरदार, जो मेरे बच्चे को मुझसे अलग किया तो यही मार दूंगी तुझे। एक सेकेंड, बहुत खुशी हो रही होगी ना तुम्हें मुझे अरेस्ट होता हुआ देखकर, मेरे हाथों में हथकड़ी देखकर। अब तो मुझे सच में शक हो रहा है कि तुम मेरी असली बहन हो भी या नहीं हो। सिर्फ तुम्हारा चेहरा है ना वो मेरी बहन का है, लेकिन तुम मेरी असली बहन हो ही नहीं सकती। ठीक कहा तुमने, मुझे भी एग्जैक्टली ऐसी फीलिंग आ रही है। चेहरा तो मेरी बहन का है पर हरकतें ही मेरी अंजलि जैसी नहीं है। ये क्या किया तुमने अंजलि, प्यार में इतनी पागल हो गई कि तुम्हें पता ही नहीं चला कि सही क्या है और गलत क्या है। और आज पहली बार ना तुम्हारे नाम पे मुझे शर्म आ रही है। तुम्हें देखो कोई शर्म नहीं आ रही, कोई पछतावा नहीं है तुम्हें। किस चीज का पछतावा होना चाहिए मुझे? हाँ किस चीज का पछतावा? ये जो इतनी गलत हरकतें की है उसका पछतावा। तुम्हें लग रहा है ना गलत, लेकिन मैंने तो कोई गलती नहीं की, क्योंकि मैंने जो कुछ भी किया है ना वो मैंने अपने प्यार के लिए किया है। शर्म आ रही है बोलते हुए? प्यार में इंसान ऐसी हरकत करता है? इसे अच्छी तरीके से पता था कि करण जीजू शादीशुदा है, लेकिन फिर भी उनसे प्यार कर बैठी। इसे अच्छी तरीके से पता था कि काव्या करण जीजू की बेटी है, फिर भी प्यार कर बैठी तू। और अब तो तुमने हद पार कर दी। करण जीजू को अभी दो बच्चे हुए, उसमें से एक बच्चा चुरा के भाग गई। अरे ऐसा कोई करता है क्या? शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शेम होनी है तुम्हें। तुम्हें रुक जाइए, क्या कर रहे हैं आप मैडम? शी इज अंडर आवर कस्टडी, प्लीज। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, आपने मुझे रोक लिया, क्योंकि जिस तरह की इसने हरकत की है ना, ये 100 थप्पड़ खाने के लायक है। प्रीति, थैंक यू। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं यार। थैंक यू, आज तुमने जो भी कुछ किया उसके लिए। और तुम, अगर तुम आज के बाद मेरे भांजों के आसपास भी दिखी ना, तो जिस हाथ से तुमने उन्हें चुराया है ना, वो मैं हाथ तोड़ दूंगी। और हाथों के साथ साथ पैर भी तोड़ दूंगी। जिंदगी भर लंगड़ाते हुए चलोगी तुम,
समझ में आई बात? मैं सृष्टि अरोड़ा लूथरा हूँ, मैं जो बोलती हूँ ना वो मैं करते भी हूँ। वैसे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी मुझे, लेकिन कुछ लोग हैं यहाँ पर जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उनके सामने मैं बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करती। पहले खुद ऐसे काम कर जो लोग तुझे पसंद करने लगे। आई बड़ी फिल्मों के डायलॉग मारने वाली, अरे इसे ले जाओ जेल में, सड़ाओ इसे। चलिए ले जाइए, चलिए प्लीज चलिए। निधि, ऐसी अपनी बहन को पुलिस के हवाले करना ये कोई छोटी और आसान बात नहीं है। मैं समझ सकती हूँ कि तुम किस इमोशन से गुजर रही होंगी, पर आई जस्ट वॉन्ट टू से एवरीथिंग विल बी फाइन, इट्स ओके। इट वॉन्ट बी फाइन, फैमिली के नाम पे ना सिर्फ वही थी एक बहन, और आज उसके इस हरकत की वजह से उस फैमिली को भी खो दिया मैंने। I'm so sorry. रुको, कहाँ जा रही हो? ये सब होने के बाद ना मेरा यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है, और किसी को मुंह दिखाने के लायक तो मैं वैसे ही नहीं रही, खासकर करण और प्रीता को। मैं just... ये मेरा बच्चा छोटा छोटा क्या थी? करण और प्रीता अब तक आए नहीं। सृष्टि ने 20 मिनट पहले फोन किया था और कहा था रास्ते पे हैं। ये लड़की भी ना इतनी इरेस्पॉन्सिबल है, टाइम की कोई वैल्यू नहीं है, अब तक आ जाना चाहिए था ना। बुआ ऐसे मत बोलो, ट्रैफिक होगा। तुम तो चुप ही रहो समीर। आ गए मेरी बच्ची। लो, लगता है छठी इंद्री काम कर गई, इनकी सूंघ लिया इन्होंने। मतलब करण और प्रीता के मामले में इनकी ये छठी इंद्री बहुत काम कर जाती है। सो भी रही हो ना, उनके आसपास से भी गुजर जाए ना दोनों, तो इन्हें पता चल जाता है कि वो लोग आ गए। ये हमारे मामले में क्यों नहीं होता? हाँ लो देखा, आ गए। ये बिना दूसरा भाई आ गया। शोना, तू घर आ गया अपने? अरे राखी जी, शोना बाबू यही करती रहेंगी, अंदर ले भी लेके चलेंगी। ने चले चले चले, चलो अंदर चलो। अच्छा तू घर आ गया अपने? ऐसे कैसे मुझे छोड़ के चली गई थे? मैं आपकी बड़ी बहन हूँ ना, कभी मेरे बिना परमिशन के कहीं गई ना तो देखना बहुत डांटूंगी, पता है ना मैं तुम्हें कितना मिस किया। प्रीता पुत्र, तू थक गई होगी, जा आराम कर ले। हाँ बेटा जाओ, तुम लोग कल नामकरण भी है। हाँ रानी, आपका लाख लाख शुक्र है, सब ठीक हो गया, मेरे बच्चे घर आ गए। छोड़ो छोड़ो, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी, ये लोगों में इतना गंदा, छोड़ो। हेलो मैडम, गंदे काम करने में शर्म नहीं आई? अब यहाँ रहना तो गंदा है। अरे सच कही तो तुम्हारे दिमाग से कहीं ज्यादा साफ है, कुछ दिन रहोगी ना तुम्हारा दिमाग साफ हो जाएगा। ये 5-star होटल नहीं है। आपको जो बोलना है आप बोलो, लेकिन मैं कुछ नहीं सुनूंगी। अरे पकड़ो इन्हें, छोड़ो, ले जाओ इसे। छोड़ो, इंस्पेक्टर साहब देखिए प्लीज मुझे मेरी बहन से एक बार बात कर लेने दीजिए, एक बार मुझे मेरी बहन से मिलने दो, प्लीज 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 एक बार।
माय बेबी, अब मम्मा आपको अपने से दूर एक दिन भी नहीं रखेगी। छोटा है ना, इसलिए सबसे ज्यादा प्यार इसे मिलेगा। छोटा कहाँ है, बड़ा है, पूरे एक सेकंड। हाँ बड़ा है ना, इसलिए सबसे ज्यादा प्यार इसे मिलेगा। ऐसा मैं नहीं, लोग कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, माँ सबसे ज्यादा प्यार अपने सारे बच्चों से करती। मेरे तीन बच्चे हैं, तीनों बच्चों में से एक भी मुझसे अलग कर दो ना तो मेरी जान वहीं चली जाएगी। मम्मा, डैड, साइटो, मुझे इनके साथ खेलना है। मैं नहीं चाहती मेरे भाई किसी और के साथ खेले। हम सब सो जाते हैं, चलो लाइट्स बंद करो। बस हम अभी लाइट बंद कर रहे हैं, उन्हें सोने देंगे, ठीक है? इनकी केयरिंग सिस्टर। आप स्माइल क्यों कर रहे हो? आप इस तरफ सो जाओ और आप उस तरफ सो जाओ। अगर मेरे भाई टर्न करेंगे तो गिर जाएंगे। पिता, ये अभी बहुत छोटा है, ये टर्न नहीं कर सकता। हाँ, आप अपना ध्यान जरूर रखना। ये मेरे भाई है, डी काव्या लूठा के भाई। देखना बहुत स्मार्ट हो गए और हर चीज बहुत स्पीड से करेंगे। तो मैं आपके बाजू में सो सकता हूँ? ऑफ कोर्स डैड, मैं इनकी बड़ी बहन हूँ। पर हूँ तो छोटी ना, मैं भी तो गिर सकती हूँ। तो आप इधर सो जाओ मेरे बाजू में। ओके मां, शैतान बच्चा, आ जा। कैसी हो, कैसा लग रहा है तुम्हें? आज साफ बात करें, क्योंकि तुमने मुझे यहाँ इसलिए तो नहीं बुलाया कि तुम जानना चाहती हो कि मुझे कैसा फील हो रहा है। बहुत स्मार्ट हो तुम यार, और होगी भी क्यों नहीं, नीति हिंदुजा नाम है तुम्हारा। कम से कम हम दोनों एक दूसरे के सामने एक्टिंग तो नहीं कर रहे ना, कि हमें एक दूसरे की फिक्र है या हम प्यार करते हैं एक दूसरे से। प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, अपने आप से भी ज्यादा। और फिर रियलाइज भी करती हूँ कि काश इतना प्यार नहीं करती कि तुम इतनी बिगड़ जाती। काश इतना प्यार नहीं करती कि हमारी गलतियां मुझे ना दिखती। आई एम श्योर तुम मुझे यही बोलोगी कि मैंने जो किया वो बिल्कुल सही किया, और मेरा जवाब एक ही होगा, तुम गलत थी। बिल्कुल सही कहा तुमने, मुझे यही लगता है कि मैंने बिल्कुल गलत नहीं किया, और जो मैंने किया ना उसके वैलिड रीजंस है मेरे पास। वैलिड रीजंस? एक छोटे से बच्चे को उठाकर ले जाना, एक पूरी फैमिली को तकलीफ में लाना, ये है तुम्हारी जस्टिफिकेशन? जस्टिफिकेशन नहीं है। छोड़ो ना इन सब बातों को, क्या तुम मुझे एक बात बताओगी सच में, क्या कभी भी तुमने करण को दिल से चाहा, कुछ फील किया उसके लिए दिल से? कि मुझे नहीं लगता कि तुमने ऐसा कुछ फील किया है। अगर तुम उसके लिए कुछ फील करती, उसे प्यार करती ना, तो तुम इतनी आसानी से अपने प्यार को जाने नहीं देती। आई एम श्योर प्यार की बात तुम कर रही हो, मतलब भी नहीं जानती हो तुम प्यार का। और रही बात मेरी, मैं किसके लिए क्या फील करती हूँ ये तुम बहुत अच्छे से जानती हो। पर खैर छोड़ो, I'm sure तुमने यहाँ मुझे मेरी फीलिंग्स, मेरा पेन, ये सब जानने के लिए तो नहीं बुलाया ना, तो बता। करेक्ट, ये सब जानने के लिए नहीं बुलाया मैंने, पता है किस लिए बुलाया? क्यों बुला? क्योंकि तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल सको। मैं यहाँ जेल में नहीं रहना चाहती, मैं घर जाना चाहती हूँ। मैं अपने तुम घुट रहा है मेरा यहाँ पर, मैं यहाँ पर रह नहीं सकती, तो प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकाल। पता है क्या अंजलि, मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें यहाँ इस जगह इस हाल में देखूंगी, कभी इमेजिन नहीं किया था। बट आई एम सो सॉरी, आज जो तुम बन गई हो ना उस लड़की पे भरोसा नहीं कर सकती।
और शायद तुम्हें यहाँ रहने की ना बहुत जरूरत है, थोड़ा वक्त लेने की, थोड़ा सोचने की, थोड़ा समझने की कि जो तुमने किया वो गलत था। क्योंकि पता है क्या अंजलि, अगर तुम एक बार उठ के मुझे कह देती ना कि दी मुझसे गलती हो गई, निधि आई एम सॉरी, मुझे यहाँ से निकाल दो, मैं पूरी दुनिया से लड़ जाती और तुम्हें यहाँ एक सेकंड नहीं रहने देती। पर तुम एक बात बताओ, क्या तुम्हें थोड़ा सा भी पछतावा है? I'm sorry, नीति, मुझसे गलती हो गई। ये सुनना चाहती हो ना तुम? तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है ना कि यहां से बाहर निकलने के लिए सॉरी बोलूंगी मैं तुम्हारे सामने, अपनी गलती एक्सेप्ट कर लूंगी, तो गलत फहमी में हो तुम। क्योंकि मैं जानती हूं जो भी किया है ना मैंने बिल्कुल सही किया है, मुझे अपने किए पर बिल्कुल पछतावा नहीं है, समझी तुम? Well then that's it अंजलि, तुम्हें अब सिर्फ डॉक्टर की जरूरत है, ले जाओ। करण की जरूरत है मुझे, डॉक्टर की नहीं। लेके जाइए इसे। निधि रुको, निधि मुझे यहां से निकालो, तुम ऐसे नहीं जा सकती। निधि छोड़ो मुझे, निधि। मेरे भाई को ले गया, क्या करूं? मॉम डैड को उठाऊं? नहीं, नहीं जाके पकड़ती हूं। कौन है? मेरा बच्चा? मेरा बच्चा कहाँ है? काव्या, 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 काव्या कहो तुम? करण, क्या हुआ करण? करण, करण, अरे करण, क्या हुआ? क्या बात हुई? काव्या को और मेरे बच्चे को फिर से उठा करके चला गया। क्या पागल हो गया? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? कैसी बातें कर रहे हो? अरे काव्या एक पता नहीं किसी के साथ जा रही थी, कोई मैंने साया सा देखा और पीछे भागने की कोशिश की, तो पता नहीं कहाँ चला गया वो लोग। ओह गॉड, कौन उठा के ले गया बच्चों को? भाई आप प्लीज पुलिस को फोन कीजिए। घर का दरवाजा बंद है तो इसका मतलब वो लोग घर के अंदर ही है, चलो ढूंढते हैं उन्हें यहीं पे। सैमी, तू उधर देख, मैं इधर देखता हूँ। काव्या! ऋषभ जी, प्लीज प्लीज प्लीज। क्या ऋषभ जी, आपकी वजह से जीजू को भी पता चल गया? अब तो सब देख लेंगे। ऋषभ, ऋषभ मिली क्या? सृष्टि, तुम यहाँ? वो भी बेबी को साथ में ले आई हो अपने? भाभी ले नहीं आई, लेके आने का मतलब है परमिशन लेके लेके आना। इसने बच्चे को चुराया है, बिना किसी को बोले यहाँ लेके आई है बच्चे को। कितनी टेंशन हो गई थी हमें। सृष्टि बेटा, ये क्या तरीका है? अभी इतनी टेंशन से गुजरे हम लोग और अब ये। डैडी जी शांत हो जाइए ना प्लीज। हमें इतनी टेंशन देने के बाद कह रही हो शांत हो जाओ? ओके फाइन, सब बैठो मुझे, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो मेरी फीलिंग समझ सके। अरे जब से ये लोग पैदा हुए हैं तब से मैं इनके साथ वक्त ही नहीं गुजार पा रही हूँ। मुझे इनके साथ टाइम स्पेंड करने ही नहीं मिल रहा है। कभी हॉस्पिटल वाले ले जाते हैं, कभी वो बकवास अंजलि चुरा के ले जाती है। तो हमें कौन सा मौका मिला है इनके साथ खेलने का बताओ? बस करो, अब कोई मिनी मासी को नहीं डांटेगा। हमने प्लानिंग की थी, मेरी भाई, मासी और मैं तीनों एक लॉन्ग ड्राइव में जाएंगे और आप सबने हमारी प्लानिंग खराब कर ली। किसने सिखाया आपको ये? हाँ जैसे सब कुछ ठीक है, लेकिन जो तुमने ये सिखाया ना ये गलत है, पता है क्यों? अरे मैंने कुछ नहीं किया ऋषभ जी, एक आवो बोलना यार। मैंने सिखाया, हम दोनों की डील हुई थी, भाई आप और मैं तीनों घूमने जाएंगे जब रात को सब सो जाएंगे। काव्या इधर बैठो,
भैया, मासी की बातों को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा मजाक करती रहती हैं। और आपको पता है आपके भाई जो है वो आज ही पैदा हुए हैं, तो वो तो जम के सोएंगे। और मुझे बस एक हफ्ते का टाइम दे दो, एक हफ्ते के बाद मैं आप सबको घुमाने ले जाऊंगा लॉन्ग ड्राइव पे। That is a good idea. सृष्टि बेटा, ये लॉन्ग ड्राइव प्लान की थी, कम से कम मुझे तो इन्वॉल्व कर लेती ना अपने साथ। मैं थोड़ी ड्राइव करने वाली थी डैडी जी, आप समीर को क्यों नहीं कुछ बोलते, वही ड्राइव करके लेके जाने वाला था। समीर, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। अगर सृष्टि नादानी कर रही है तो तुझे इसे समझाना चाहिए, लेकिन तू तो इसे सपोर्ट किए जा रहा है। एक बात तो मुझे समझ में आ गई कि इस घर में कोई मुझे समझे या ना समझे, ये मुझे जरूर समझता है। आप लोग को पता है, आप लोगों के आने से पहले मुझे आंखें मार रहा था अपनी क्यूट सी नीली आंखों से, और इसने तो मेरे हाथ भी पकड़ा, मेरी उंगली पकड़ ली, इतनी टाइट पकड़ ली कि छोड़ ही नहीं रहा था। अगर बच्चे इतने पसंद है ना, तो तुम दोनों अपना बच्चा क्यों नहीं पैदा कर लेते? खुद का बच्चा? अरे इतना अच्छा प्यारा सा हैंडसम सा रेडीमेड बच्चा मिला है, तो खुद का बच्चा? अरे ये भी तो मेरा ही है ना। दो बच्चा यहाँ पे, तू जल्दी की जल्दी रहेगी। डोंट वरी मेरी जान, हम अपने बेबीज करेंगे, वो भी बहुत सारे। ओके अरे अपने बेबीज करने के लिए टाइम लगता है, अभी तो रेडीमेड बेबी मिला है अपने को। और मैं बोल रही हूँ, ये क्यूट सी नीली आंखों वाला ना, ये मेरा है। ओके क्या कर रहा है?